क्या एक स्टेट की पुलिस ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री को हम ऑटो में अगर वो जाएगा तो सुरक्षा नहीं दे सकते? मैं पंजाब में ऑटो में गया, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता हूँ, वहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। एक मिनट बात पूरी सुनिए, उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। जनता में तो केजरीवाल जाएगा, केजरीवाल तो जनता का आदमी है, केजरीवाल तो जनता में जाएगा, और इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को जनता से काट सके। तो तर्क वितर्क मत कीजिए, आप उनकी मंशा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं गया ना, सिक्योरिटी दी ना उन्होंने, नंगे हो गए ना। कांग्रेस के नेता है अजय कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए। किसने पूछा है सवाल? ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए, अब उनके प्रश्नों के बारे में मत चिंता मत कीजिए। जनता साथ है, जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, जनता सब खुश है। कल जिस प्रकार से आपने रिक्शा में जाके ऑटो वाले के घर पे खाना खाया, मगर वो जो विस्तार था वो सीएम का तो था ही, मगर साथ में अमित शाह का भी था, क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वही जगह पे जाना जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है? कुछ प्लान था? कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहां पे। जब मैंने कल रात के वापस आने के बाद मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहां जनता इतनी खुश थी मुझे देख के, इतनी खुश थी अपने बीच में देख के। तो लोगों उनसे पूछा, पत्रकारों ने, आप ही लोगों ने पूछा कि क्या बात है, इतने खुश क्यों? बोले पहली बार 30 साल में 40 साल में कोई नेता हमारी बस्ती में आया है। तो उसने पत्रकार ने पूछा, भाई कभी चुनाव में तो वोट मांगने आते हैं? कहते चुनाव आना है, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार से कोई कर्मचारी या सरकार से कोई अफसर आपके घर आएगा, आपका काम करके जाएगा, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं। हमने दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था की है, दिल्ली में अब किसी को सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, पंजाब में अब किसी को अपना सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। दिल्ली में हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लागू किया है, हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया है 1076, उस पर आप फोन करो, आपको किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी काम कराना है, आप बताओ कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, मुझे बिजली कनेक्शन लेना है, मुझे पानी कनेक्शन लेना है। सरकार से कोई आदमी आपके घर आता है, आपसे टाइम पूछते हैं, कितने बजे आपका काम करने के लिए आए, आप जो टाइम बताते हो उतने बजे आपके घर आता है सरकार से कोई आदमी, और आपके घर आके आपका काम करके जाता है। आपको कोई जो दिल्ली के अंदर किया वही गुजरात के अंदर भी लागू करेंगे। जितने नेताओं के, मंत्रियों के, बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, जितने इन एमएलए के, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए, जितने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। आप लोग देख रहे हो जहरीली शराब बिक रही है, किसकी है? इनके मां बाप तो इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं, इसको बंद किया जाएगा। आप लोग देख रहे हो नशा बिक रहा है खूब जम के, नशा खूब इंपोर्ट हो रहा है, कौन कर रहा है? उनके मां बाप इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं, इसको बंद किया जाएगा। जितने काले धंधे हैं इनके मंत्रियों के, इनके अफसरों के, जितने जिनके भी काले धंधे हैं, सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे। ये पेपर फूटने का सिलसिला बंद करेंगे। पिछले 10 साल में जितने पेपर फूटे हैं इन्होंने सारे मामले बंद कर दिए, उसको दोबारा खोलेंगे सारे मामलों को। जितने 10 साल में पेपर फूटे हैं
उनके जितने मास्टरमाइंड सरकार में और इनमें बैठे हैं पार्टियों में, सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं जितनी बार गुजरात आता हूं, मुझे लोग आके कान में बोलते हैं, सर ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल भी कोई बता रहा था एक बड़ा घोटाला, कौन सा था? सवनी योजना का कोई घोटाला। रोज बताते हैं ये घोटालों के, जितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल के अंदर में, सबकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल, इनसे पैसा रिकवर करेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा गुजरात की जनता का था। जितना पैसा इन्होंने लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे, एक एक पैसा रिकवर किया जाएगा, और उस पैसे से आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सड़कें, वो सारा बनाएंगे। तो दोस्तों, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन दिया जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब 2 महीने रहेगा, वैसे इनका जाने का, भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है।